नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड की द्रोण नगरी से मैं आपकी होस्ट संगीता। आज बहुत सुहावना मौसम हो रहा है, तो आज सुहावने मौसम के बीच हम एक सुहानी सी उत्तराखंड डिश बनाते हैं, तो चलें बनाने। तो लो जी, साहब जी के फरमाइश पर आज पहाड़ी डिश जिसको बोलते हैं थिचवाणी आलू का। थिचवाणी आलू तो सब लोग जानते होंगे, पोटैटो। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, ये पहाड़ी आलू है, ये अभी अभी खेत से आए हैं दो चार दिन पहले, तो इसमें बहुत मिट्टी लगी हुई थी, मैंने अच्छे से धो लिया है। और इसको हम ये सिलबट्टा ले लिया है मैंने, सिलबट्टे पर ऐसे ऐसे इसे चाकू से नहीं तोड़ना है, इसे ऐसे ऐसे करके इसको थेच लेंगे। थेचने ये होता है थेचवाणी, इसका मतलब है इसको थेच लेंगे ऐसे करके। बिल्कुल बारीक कर लेंगे, इसको छिलना नहीं है। चाहो तो आप लोग छिल सकते हैं, लेकिन हम छिलते नहीं है इसको। इसको ऐसे ऐसे करके बारीक बना लेंगे। ऐसे करके सारे आलू ऐसे करके थेच लेंगे। तो मैंने ये आलू कूट लिया है, थेच लिया है, इसीलिए थेचवाणी बोलते हैं इसको, थेचुनी भी बोलते हैं, थेचवाणी भी बोलते हैं। तो मैंने ये कूट लिया है। जी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल देंगे तेल। तो मैं, आपने देखा होगा, मैं ज़्यादातर सरसों के तेल का ही प्रयोग करती हूँ। ये डाल दिया मैंने मस्टर्ड ऑयल, और इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये मेथी दाना और सरसों का, ये बड़ा वाला सरसों होती है ना, ये मेन होता है इसमें, और लहसुन, तो वो मैंने चॉप प्याज के ही साथ चॉप कर दिया है। तो अभी तेल गरम होने देंगे, फिर ये डाल देंगे। तो तेल हो गया है मेरा गरम, इसमें पहले साबुत लाल मिर्च को मैं फ्राई कर लेती हूँ और अलग निकाल दूंगी, क्योंकि मुझे तरी वाली सब्जी में ये बहुत अच्छी लगती है अलग से खानी। हस्बैंड ज़्यादा मिर्च नहीं खा पाते, बच्चे नहीं खा पाते, तो मैं अलग निकाल लेती हूँ, इसी वजह से मैं इसको बाद में ऊपर से ले लूँगी। अब डाल देंगे ये सीड्स, ये पक गए हैं, ये मैंने चॉपिंग चॉप किए हुए प्याज और लहसुन है, अब ये डाल देंगे। इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। जब तक ये ब्राउन होते हैं, ये दो टमाटर चॉप कर लेते हैं तब तक। तो ये पक गए हमारे प्याज लहसुन, अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर। इसमें प्याज और टमाटर बड़ी मात्रा में डलते हैं, जितना ही प्याज डालो जितना ही टमाटर डालो बहुत अच्छा है। अब इसमें नॉर्मल मसाला जाएगा, जैसे नमक हो गया, थोड़ा ज़्यादा डलेगा क्योंकि ये रेसेदार सब्जी बनेगी ना तरी वाली, पानी डलेगा इसमें। फिर डलेगा हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ी सी मिर्च, और इसको अच्छे से घुमा लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, तो ये टमाटर थोड़े हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे।
ढक्कन लगा देते हैं। ये देखिए तेल छूट गया है, टमाटर हमारे पक गए हैं। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला, ठीक है। अब इसको थोड़ा घुमा देंगे कि ये थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा इसका कच्चापन हट जाए। तो इसको घुमा के अब डाल देंगे जो हमने आलू कूटे थे ना, ये हम इसमें डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा ढंग से मिला लेंगे, ये आपस में मिल जाए। अब इसमें डाल देंगे पानी, पानी से भर देंगे इसको पूरा। ये भर दिया हमने पानी इसमें। अब इसको पकने देंगे, इस पे ढक्कन लगा के इसको पक। तो ये लीजिए हमारी बन गई है आलू की थेचनी। ये हमने थाली ली है, कांस की थाली, इसमें ये लाल चावल डाल दिए हैं, लाल चावल खाएंगे। और ये सब्जी, तो ये देखिए ये इस पर रख देते हैं एक लाल मिर्च, खाएंगे तो यहाँ रख देते हैं। और इसके साथ साथ इसमें मक्खन आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो ये हमारी थाली रेडी हो गई। तो चावल और डाल देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी बनाएं ये थाली। कैसी लगी आपको ये वीडियो बना के, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।